नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज करीबन 8 न्यूज हैं और एक और मिलाकर के 9 ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं। आपको पता है ये न्यूज कैसे आती है, कितनी मेहनत पे आती है। मैं कोई रिश्तेदार नहीं हूं मेरे ब्रदर डीजीटी के, मैं कोई रिश्तेदार नहीं हूं, न मैं कर्मचारी हूं। हमारा रिलेशन, हमारी ईमानदारी, हमारी मेहनत ही मेरे को न्यूज दिलवाती है। आप लोगों को पता नहीं है कि एक न्यूज देने में कितने दिन लग जाते होंगे और कितनी गालियां सुनता होऊंगा मैं। कितने बार मैंने फोन मेरा काट दिया जाता होगा, मेल का जवाब नहीं दिया जाता होगा। आप लोगों को लगता है कि आप कमेंट कर दिए तो उसका तुरंत 2 मिनट के अंदर जवाब दे रहे हैं। मैं डीजीटी का पर्सन नहीं हूं कि मैं आपको जवाब दे दूं। हाँ ठीक है, मेरे को सब कुछ आता है जवाब देना, मैं दे सकता हूं जवाब, पता रहता है। लेकिन सवाल आप करते हो, आप समझिए इस चीज को, लास्ट बार टाइम कह रहा हूं, क्योंकि जो मैं सुनता हूं ना, फिर लगता है किसी दिन शो बंद कर दूं। कमेंट करते हो आप मेरे से सवाल नहीं कर सकते हो, आप सवाल डीजीटी से करिए। आप हमसे पूछते हो ना, तो ये आपके फेवर में बिल्कुल भी चीज नहीं जाती है, ये आप समझ जाइए। दबाव तब बनता है जब आप डीजीटी के ऊपर सवाल करते हो। माध्यम मैं हूं, आवाज मैं दे रहा हूं, मंच मैं दे रहा हूं। आप डायरेक्ट डीजीटी के ऊपर पूछोगे, आईटीआई वाला पूछेगा तो उस पर कार्रवाई हो जाती है, सादा पूछो तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाए। माध्यम मैं हूं, आवाज आपका मैं हूं, तो आपको डीजीटी के पूछना चाहिए, ना कि वीरेश सिंह। मैं बिल्कुल भी डीजीटी के किसी भी चीज के लिए बताने के लिए ऑथराइज नहीं हूं मेरे भाई, और ना मैं बता सकता हूं। मैं 10 बार नहीं, 1000 बार आपको हर शो में बताया, और मैं नहीं बताऊंगा। मेरे को कितने कमेंट आते मान लो, 100 आते हैं तो मेरे को कितना लगेगा मालूम है आपको? 5 मिनट लगेगा मेरे को वहां पे लिखने का कि ये है, ये है, ये है, ये है। लेकिन मैं नहीं करता हूं, तो आप लोगों को, कई लोगों को लगता है कि इनको घमंड आ गया है। गलत सोच है। कई लोग कहते हैं कि आप फोन नंबर दिए, फोन क्यों नहीं उठाते हो? गलत सोच है। मैं लगभग 75% फोन उठाता हूं, 25% नहीं उठाता हूं। और फोन मैं तब नहीं उठाता हूं जब मैं बिजी रहता हूं न्यूज के लिए। आपको क्या लगता है आप एक पर्सन हो? मेरे पास 500 लोगों का फोन आता है। सुबह 7 बजे 6 बजे से आना चालू होता है, रात को 12 बजे तक आता है फोन। किसका किसका फोन उठाऊं? आप एक आदमी मैसेज करते हो, मेरे पास 1000 आदमी मैसेज करते हैं। और मैं 50 बार बोल चुका हूं कि आप मैसेज ना करें। अगर आपको मैंने नंबर इसलिए दिया है, मैसेज करना है, आप वहां पे कमेंट बॉक्स में करिए, डीजीटी के नाम से करिए, पूछिए वहां। उसी को मैं जब आधार बनाता हूं तब ये न्यूज ले आता हूं, पर नहीं तो न्यूज ना आए। आप ये समझिए, आप व्हाट्सएप और नंबर इसलिए दिया हूं कि इमरजेंसी के लिए, आपके साथ में कुछ आईटीआई वाला गलत कर रहा, गवर्नमेंट गलत कर रही, कुछ ऐसी चीजें हैं, उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, मैं खुद फोन करूंगा। कुछ गलत हो रहा है, मैं खुद आपको कॉल बैक करूंगा। लेकिन आप सर वो डेट बढ़ गई है, मैंने सुना। जब मैं न्यूज बता दिया, न्यूज में भी वही वीरेश सिंह जब बोल रहे हैं समझा करके, तो फिर फोन पे, फिर व्हाट्सएप पे, तो टाइम बर्बाद करते हो आप लोग, है ना। 24 घंटे आपके, 18 घंटा काम करता हूं, आपको ये पता है। पूरी न्यूज बनाने में हालत खराब हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि मैं, हमारे कोई फोन का इंतजार करती है डीजीटी की, भैया वो वीरेश सिंह फोन करेंगे तो हम उनको जो है तो जवाब देने के लिए बैठे हैं, बिल्कुल भी नहीं। साहब मना कर देती, सर लंच के टाइम के बाद फोन करना, कल फोन करना, परसों करना, बताएंगे फिर हम। नहीं बताएंगे, क्यों बताएं हम आपको?
क्या ये नियम कानून है क्या? हाँ, मीडिया हो आप तो बताना काम है, बताऊंगा, रुकिए, वेट करिए। अरे सर, बच्चों वाला सवाल है, उनके भविष्य वाली सवाल, ये देखिए, कमेंट पढ़िए सर आप। एक एक चीज को डीजीटी पढ़ती है और कभी कभी मेरे मुंह पे बहुत गंदा तमाचा मारती है कि सर आप कहते हो तो लोग कमेंट करते हैं, और आपसे ही तो पूछे हैं, तो आप बताइए, हमसे थोड़ी पूछ रहे हैं। तो ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इस पे बिल्कुल सावधान हो जाइए, आप अपने सवाल डीजीटी पे पूछिए और वही आएगा। दूसरा, कई यूट्यूबर, मैं जब बोल रहा था कि ये सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा आज एक चीज है ना, मेरे को डीजीटी ने जून में बता दिया था कि सप्लीमेंट्री एग्जाम हम करवाएंगे, पूरा डेटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन ये 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा बीरेश सिंह, क्योंकि लड़के आईटीआई छोड़ दिए हैं। आप लगिए, आप माध्यम बनिए, जितने लोग हैं माध्यम बनिए। और थैंकफुल हुआ था डीजीटी के बड़े अफसर कि सर आप ये अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाइए। मैं चिल्ला चिल्ला करके उस समय पर बोल रहा था कि जितने आपके पुराने लड़के हैं सबको इकट्ठा करिए, उनका डेटा इकट्ठा करिए, उनकी फीस जमा करवाइए, 500-500 रुपए फीस लीजिए। आप उठा करके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पूरी चीजें आप उठा करके पढ़िए, देखिए, तो आपको पता चलेगा कि आप लोग भैया जहां काम कर रहे हो वापस आओ, एक बार आईटीआई आकर के फीस जमा करके क्लियर कर दो, फिर अपनी जहां नौकरी करना है तो करिए, रसीद ले लीजिए। दबाव डीजी उस पे पड़ेगा, आईटीआई पे पड़ेगा। आप लोग सुन नहीं रहे थे, मेरा खुद का मजाक उड़ा रहे थे आप और आपके ये जो फर्जी यूट्यूबर हैं जो अपनी दुकान चलाते हैं। सबसे पहले यूट्यूब चालू करेंगे तो बोलेंगे कि ये साइट पे हमारे जाइए, फिर यहां से अपडेट देखिए, फिर यहां से वो लिंक उठाइए, ये पढ़िए, वो पढ़िए, वो पढ़िए, आप ऐसे पढ़िए, और आप उसी में लगे रहते हो, और आप धन्य हो आप लोग, आपको समझाया नहीं जा सकता है। मैंने आपको बताया कि आपकी आईटीआई से बेहतर आपको कोई नहीं समझा सकता है, न पढ़ा सकता है, और किताब से बेहतर आपको नॉलेज नहीं हो सकता है। हाँ, आप यूट्यूब पढ़ करके पास हो जाओगे पर नॉलेज नहीं होगी। और जैसे प्लेसमेंट एजेंसियां मेरे सारे दोस्त हैं कहते हैं सर लड़के नहीं पाए अच्छे, इसीलिए आपको 1-2 महीने के बाद निकाल दिया जाता है और किसी काम के नहीं बचते हो। तो टुकड़ा लेना है ना सर्टिफिकेट का, तो फिर देखिए यूट्यूब उन लोगों का। और अगर वास्तव में सही पढ़ना है ना, आगे बढ़ना है कि हमको 20-25-30 हज़ार की नौकरी मिले, 8 हज़ार नौकरी से ज्यादा मिले, तो किताब से पढ़िए और आईटीआई में पढ़िए। तो अब सोचिए कि डेट निकल गई है, अभी भी सप्लीमेंट्री के लड़के, बहुत सारे लड़कों का डेटा नहीं आ पाया है, ना फीस जमा हो पाई है। ये आईटीआई वालों को भी मैं कह रहा था, तो कह रहे थे अरे बीरेश सिंह डरा रहे हैं, ये है वो है, चैनल चलाने के लिए ये वो सब चीजें बोलते हैं। एक भी चीज को मेरे, मैं दावा करता हूं कोई बोल दे कि आपने जो शो में दिखाया वो गलत था, उसका परिणाम आज आप लोग सब भुगत रहे हो। और डेट जो लेट हुई ना, मैं जानता था कि शायद अभी 30-40% 100 में आप लगा लीजिए, आपको लगता है ना, कई लोग हैं ना, पता नहीं आपका नाम है कि नहीं है, आप ये सोच रहे हो मैं फीस जमा कर दिया हूं और ये सारी चीजें हैं, तो आप अभी गलत फहमी में हैं, पता नहीं आपका हॉल टिकट आएगा कि नहीं आएगा, फीस जमा कर देने भर से हॉल टिकट आएगा कि नहीं आएगा, कितने लफड़े हैं, मैं 50 बार समझा चुका हूं। अब मेरे को लगता है कि 50-60% लड़के आ गए होंगे, और अभी मैं सोच रहा हूं कि कुछ और भगवान चाहे तो एक मौका मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेगा मौका तो क्या करें। मैं 2014 से लेकर के 18 तक के बच्चों को मैं इतना दिखाया कि क्या बता दूं, श्री अतुल कुमार तिवारी जी के मैं डेली क्या बता दूं, कितनी मैंने सुनी है। और धन्य है वो आदमी की जो मेरा सुना है कि हाँ चलिए उन बच्चों को ले आऊंगा, नई पद्धति से एग्जाम करवाऊंगा, मैं भले इंजीनियरिंग ड्राइंग का वो हो पुराने पद्धति में, मैं ले आऊंगा, उनको मौका दूंगा मैं। लेकिन सुनना ही नहीं था आप लोगों को, मानना ही नहीं था।
उसका परिणाम सामने आ रहा है। तो आज एक चीज न्यूज दिखाने के पहले, कई लड़के कह रहे हैं कि सर आप 2 मिनट की चीज को काहे 10 मिनट 15 मिनट में ले जाते हो। भैया मेरा शो है, मेरी मर्जी है, मैं थोड़ी यहां से चलूंगा। दे दो मेरे को 50,000 रुपए महीने आप, तो मैं आपको फोन पे सर्विस देने लगूंगा, फिर बैठा दूंगा 4-5 लोगों को। अरे यार समझते नहीं हो, किसी चीज को समझाना पड़ता है। और आप अगर अपने जिंदगी में 20 से 25 मिनट आपके पास टाइम नहीं है मेरे लिए, तो फिर मेरे पास भी आपके लिए टाइम नहीं है। आपको टाइम देना पड़ेगा, तब आती है। अगर कोई आपका आवाज उठा रहा है, इतना एहसान फरामोश आप मत होइए। और सामने वाले की ईमानदारी और मेहनत पे उंगली मत उठाइए। मैं सब जानता हूं, सबके बारे में जानता हूं, कौन कितना ईमानदार है, कौन कितने ईमानदारी से आईटीआई कर रहा है, सबका डेटा है मेरे पास। चलिए न्यूज सुन लेते हैं एक एक करके। आईटीआई 2022 के छात्रों की ट्रेनिंग वेरिफिकेशन अप्रूवल की डेट डीजीटी द्वारा बढ़ा दी गई है, 5/12/2022 तक बढ़ा दिया गया है। किसी भी दिन सप्लीमेंट्री एग्जाम का टाइम टेबल जारी कर सकती है डीजीटी, पूरी तैयार कर ली है, किसी भी दिन किसी भी टाइम पे। ईडी प्रैक्टिकल के छात्रों के बचे हुए डाटा को संसाधित किया जा रहा है, 5 दिसंबर के पहले पहले कुछ और रिजल्ट को अपडेट कर सकती है डीजीटी। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। ईडी प्रैक्टिकल के एग्जाम स्टेट डायरेक्टर द्वारा करवाना होता है, हम उनसे समन्वय बनाए हुए हैं, जल्दी ही फीस जमा करने तथा टाइम टेबल की नोटिस जारी करेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर को भी लेकर के बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं, हमारा उन पर ध्यान है, हम छात्रों के हित में फैसले लिए हैं, लेते रहेंगे, जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी करेंगे। मार्च में ईडी प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के कई भ्रांतियां हैं, उस पर भी हमारी नजर है, हम किसी भी छात्र को निराश नहीं कर सकते हैं, हम उन पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। कई छात्रों के मेल प्राप्त हुए हैं मार्कशीट एनटीसी डेट ऑफ बर्थ के सुधार के लिए, उसके लिए हमने कई मौके दिए हैं आईटीआई को, आईटीआई को तथा उसके सुधार के लिए केवल आईटीआई टिकट रेस के द्वारा ही सुनवाई की जाती है। इसलिए टिकट रेस करिए, आप लोग आईटीआई से बोलिए को टिकट रेस करवाए। हम सप्लीमेंट्री एग्जाम के रिजल्ट को लेकर के पूर्व में हुए एग्जाम के रिजल्ट जैसे घोषित हुए हैं, उसी तरह जल्दी से जल्दी घोषित करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो भोपाल में एक ग्लोबल स्किल पार्क है और वहाँ पे एडवांस सर्टिफिकेट इन प्रिसीजन इंजीनियरिंग 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स है। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल ट्रेनिंग सेंटर है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से है और बहुत बढ़िया जो है तो इसमें मशीनें लगी हुई हैं, सीएनसी मशीनें लगी हुई हैं। और इसकी जो है तो इस कोर्स को करने के लिए आईटीआई के टर्नर फिटर मशीनिस्ट और मशीनिस्ट गाइंडर मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस वाले होने चाहिए स्टूडेंट, या फिर डिप्लोमा वाले बीटेक किए हों। अब आवेदन के लिए जो है तो इनकी वेबसाइट है gspmponline.gov.in पे है, या तो फिर globalskillpark.mp.gov.in पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन की तिथि 4 नवंबर से 29 नवंबर थी, तो अभी आप भर सकते हो आप। और आरक्षण इसमें जो है तो महिलाओं के लिए 30% है, तो इसके जो है तो भैया 90% प्लेसमेंट है, तो आप वो कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क भी कर सकते हो 9893346258 पे और 9713992665 पे। और ये SR ग्लोबल स्किल पार्क सिटी कैंपस GSPCC भोपाल पे है, तो यहाँ पे आप बात कर सकते हो। ITI कैंपस गोविंदपुरा रायसेन रोड पे है, तो यहाँ पे आप बात कर सकते हो। फ़ोन नंबर भी दिया है 07552925654 है। ईमेल एड्रेस भी है इनका admission.gsp@mp.gov.in पे है,
तो ये आप देख सकते हो, अगर जिनको एडमिशन लेना है यहाँ पे ग्लोबल स्किल पार्क में, तो इनके वेबसाइट में भी जा कर के देख सकते हैं और यहाँ पे एडमिशन आप ले सकते हो। अच्छी बात है। चलिए, अब लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, जो समझदार हैं तो। और सारी चीज़ें आपकी जो है तो मैं बोल दिया, लेकिन एक चीज़ एडमिशन के लिए बोल रहे हैं, देखिए कोर्ट में गई है चीज़ें, कोर्ट का एक प्रोटोकॉल होता है, उस पर हम नहीं बोल सकते, ना डीजीटी बोल सकती डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। जब तक डेट बढ़ी थी तो आपने एडमिशन लिया नहीं, अब आप एडमिशन ले रहे हो तो कह रहे हो, तो देखो प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा जा सकता है ना, कार्रवाई हो जाएगी मेरे ऊपर। और भैया मुझको अपना भी देखना है, अपने बीवी बच्चों को भी देखना है ना, कि कल कुछ कार्रवाई हो गई तो कोई साथ देने नहीं आएगा। इसलिए न्यूज़ को बहुत ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से दिखाया जाता है। मैं किसी को नहीं कहता हूं कि ये न्यूज़ देखिए, जिनकी ज़रूरत है वो देखिएगा। और आपके सारे मुद्दे उठा करके मैंने क्लियर कर दिया हूं, और क्लियर करवाता आया हूं, और आपकी बात पहुंची है। आशा है कि आप लोग मेरी भावनाओं को समझ जाएंगे, और अब जब कमेंट करेंगे तो बहुत सोच समझ करके कमेंट करिएगा, और आवाज़ आप मेरे प्रति ना उठा करके, मेरे से ना पूछ करके डीजीटी से पूछेंगे, वो बहुत बेहतर रहेगा। आप फोन भी जब आपको बहुत दिक्कत हो आप मैसेज कर दीजिए कि सर हमको ये परेशानी है, मैं खुद लगाऊंगा कॉल, है ना। मैं पूरे दिन खाली नहीं बैठता हूं भाई, मेरे पास बहुत सारे काम हैं। अभी आईटीआई वालों को क्या बता दूं, ये प्राइवेट आईटीआई वाले जितना मेरे को दुश्मन समझ रहे हैं ना, मैं चाहूं तो चुप रहूं, दूसरी चीज दिखाऊं, पर मेरी ईमानदारी पे, मेरी मेहनत पे शक नहीं किया जा सकता है। मैं दिखाऊंगा और मैं उनको समझाऊंगा कि आप अपने आप में ये सुधार ले आइए, और नहीं तो आईटीआई बंद हो जाएंगे। तो अब कल से जो प्रोग्राम चलेंगे वो आईटीआई के लिए चलेंगे बहुत सारी, और जहां आपकी आएगी न्यूज तहां मैं न्यूज आपको बताऊंगा। आप लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर 25 तारीख को होना था, मैं छुट्टी लेकर के आ गया सर, अब 10 तारीख तक होगी, मेरी महीने चली जाएगी। यार कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा। आपके हिसाब से डीजीटी नहीं चलेगी मेरे भाई, आपके हिसाब से नहीं चल सकती। एग्जाम हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है, आप धन्य मानिए कि एग्जाम हो रहा है, नहीं तो क्या बताऊं, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। समझने के लिए आप लोग तैयार ही नहीं होते। तो आज तक के लिए इतना ही, आगे फिर आऊंगा नए मुद्दे के साथ में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, ठंड आ गई है तो बड़े कुछ सर्द कपड़े होंगे, तो गरीबों को दान दीजिएगा, घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, अपने माँ बाप का सम्मान करिएगा। गुजरात और हिमाचल के जो लड़के हैं वो चुनाव में जिनका नाम होगा वो अपना वोट का अधिकार जरूर प्रयोग करें। गाड़ी बहुत धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर लगाइएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।